यहाँ वह कति लाल पीली होई जान गया भगत आ गई या तबाई करड़ाई। अब देखी जाएगी जो होगा होना तो है ही। और वह कह कर एक मतीरा तोड़ जाए तुम्बा इतना बारा मोटा सिर पर धरी नो अब इसके सिर में मारूंगी आकर ने बोली भगत जी खेत में बीज ज्वार बोकाया था भगत जी नू कर ली नाड़तले ने और उसने नो सिर में मारा वो मतीरा मारने के उद्देश्य से नो सिर में ठोकन खातर वो नू कर गया थोड़ा सा वो धरती में लाग के फूट गया। नो बोली बालक तन ने खांगे के उड़े मतीरे उग गए सारे तो बीज कित फूक गया तो वो मतीरा जो था वो तुम्बा था धरती में लाग के फूट गया। फूट गया तो उसमें एक दड़ी यानी 5 किलो लगभग ज्वार निकली। ज्वार अब एक बार तो अब भगत जी की तरफ देखा वो नौकरे पड़ा था एक तरफ देखा ज्वार का ना अक्तुम्बे में तो ज्वार निकल आई और वो न्यू बार बार देखा है भगत जी ने भी देखा कि मैं शांत होगी के चक्कर है उन्हें देखा तो तुम्बे में तो ज्वार निकल रही है। तो भगत ने सो शुक्र मनाए परमात्मा करड़ाई टाल दी या ज्वार ने रोए थी या दड़ी ज्वार आपने दे दी। इतने में फिर अब उसके मन में न्यू आई कि कदे और भी तुम्बे में ज्वार पाओगी फिर तो ले कर चद्दर और ले कर मोगरा डंडा बाज ली वहाँ बिछा ली चद्दर और मतीरा धरा डंडा मारा न उठा के फेंक दे परल दे ही ज्वार निकला ढेर लग गया उस ज्वार का और कहतवाई तितनी खड़ी थी सुक्की और वर्षा हुई नहीं उनकी खत्म होगी गांव वालों की और भगत के उस खेत में तुम्बा में तो ज्वार निकला दुनिया देखना हुए। युवा भगत ने एक गठड़ी और ठा के चाल पड़े जब वह 3-4 गठड़ ले आई 3-4 अपना जितनी उस खेत में होनी थी उगनी थी यानी जिसमें निपज होनी थी उपज उतनी ज्वार जब आ ली भगत जी ने बोले वो और मत लाइए अपनी आ चुकी है और इसको बांट दे सारे गांव में सबके बालक भूखे हैं। ने बोली क्यों मैं सारी लाऊंगी वह लियाई ठाठा गए फिर जो भी गिठड़ी लाए वहाँ तक ताबा बोझ मरती वहाँ खोल ला उसके वह बूमड़ा हो जाए उसके फूल वह बन जाए छिलका ज्वार ना रहे वह एक दो गिठड़ी तो लाई फिर बैठ गई अगियो अच्छा चाला हुआ। तब दन्ना भक्त ने कहा भाई बाकी की ज्वार भगवान ने आप सब के लिए दी है और अपने हिसाब की ले जियो जिसने जितनी चाहिए और सबको बांट दी। तो परमात्मा कहते हैं ये मालिक ऐसे ही किया करता है तो हम सच्ची लगन लगाव। परसों एक बहन आई रिवाड़ी साइड की वह 10-8-9 वर्ष से नाम ले रही थी उसका पति नाम नहीं ले हुआ था वो गुटी छुट्टी लाव था फिर उसने वो तकलीफ होगी कोई बीमार सीमार हो गया उसने भी नाम ले लिया वो नाम लेकर गए थे वो अकेला वो ले गया था वह पत्नी उसको दिलाकर नाम लेकर गई थी वो पहले से लिए हुई थी नाम उसकी पत्नी वो ना मान्या करता पहले बिल्कुल भी वो बीमार सीमार सा हो गया फिर नाम ले लिया। उसके पति ने 1700 रुपये रखे थे गरीब सा काम बिल्कुल निर्धन से है और 15 नोट थे 10-10 के 150 रुपये उन 1700 में। तो उसकी पत्नी को कुछ पैसों की आवश्यकता थी भगत ने कहा कि वहाँ से उठा ले 1700 रुपये रखे हैं। तो उसने देखा वो 1700 तो रखे थे उसमें उसने थोड़े से चाहिए थे 100-200 निकाल लूँ तो उसमें देखा तो 1700 तक होने वो जो 10-10 के नोट थे वो 1-1 हज़ार के बन गए वो 15,000 रुपये तो वो 150 रुपये के हो गए और बाकी वो जो 1700 का जोड़ अलग रह गया 1450-1500 वह न्यारी। तो वह कहने लगी भगत ने अकाइयत ने के दिखाऊँ क्या
देख के कर दिया परमात्मा ने, हमारे गुरुदेव ने, कबीर परमेश्वर ने के कर दिया कि ये तो घने रुपये हो गए, 15,000 हो गए, ये तू 150 बताओ था तो 1500 है बोला। वो कहने लगा मारे 15,000 तो मैंने देखे को नहीं है, कई साल हो गए, 15,000 कितना है गया, देख देख ले के हो गया यू। तो भगत ने कहा है कि तू ये गणे दिन पहले की नाम ले रही है, गुरु जी ने के बारे में आप ही ज़्यादा जानते हो, मन तैयबा नाम लिया है, ये के कर दिया हमारे घर पे, यानी तू ही ज़्यादा जान सकती है आपके भगवान के बारे में। तो पुण्यात्मा हुआ बेबे, फिर यहाँ पैसे लेकर आई, पाठ करवाया, ने बोले जी ये वो नोट कति नए कति जानो, ये गिड्डी में धकाट के लाए, ऐसे 5 नोट उस बहन ने दिए यहाँ पर। तो पुण्यात्माओं पहले तो एक उदाहरण धन्ना भगत जी का आज तक गुणगान किया जाता है, और यहाँ परमेश्वर कबीर जी की कृपा से उस परम पिता परम अक्षर ब्रह्म की रजा से या गिनती नहीं इसे चमत्कारों की। सत साहिब। तो पुण्यात्माओं ये वो परम शक्ति है और आपकी वो परम भक्ति है जिससे ये इसे इसे काम तक आप पे होया करें। अब जैसे परमात्मा ये भी कहते हैं कि वो संत नहीं जो चमत्कार करे, और वो भी संत नहीं जिस तरह इसे चमत्कार ना हो। बताओ दोनों बात, कि एक तो न्यू का जात्र न्यू हो जाएगा, वो संत नहीं, वो ढेर आदमी है, और जिस संत से उपदेश लेने के बाद ऐसे पेटे नहीं भरे, इस प्रकार की रजा नहीं बख्शी गई, तो वो भी संत नहीं है। यानी संत ये नहीं कहता त्रैन्यो होंगे, लेकिन वो क्रिया ऐसी बता देता, वो हंग होंगे, अपने आप होंगे, ना चाहते हुए भी होंगे। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। ये वो परमात्मा है पूरी पृथ्वी का सोना बना दे पर फिर रोटी कितने खाएंगे, ये सब कुछ दे सकता है आपको, लेकिन फिर आपका आड़े जी लग जाएगा, इसलिए इतना ही देते हैं जिससे तेरा काम चला रहे और परमात्मा की याद बनी रहे। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं, आप आरती आप पे साजे आप पे किंगर आप पे बाजे, अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूखा जावे। और कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो जो ना मर देते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल ना मिटावे। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसी ऐसा सुख भी ना मांगियो जिस तो भगवान तो भूल पड़े, आग लगे से सुख का जो भगवान तो दूर करे, और बलिहारी उस दुख का जो भगवान याद दिवावे, हे परमात्मा ऐसा दुख भी दिए रखना जिससे तेरी याद बनी रहे। गरीब धन्ना भगत की धुन लगी बीज दिया जिन दान, सूखा खेत हरा हुआ वाका करवोई जाने। अब खाली खेत हरा हो गया, खाली कांकर बोक आए थे और मौज मचा दी भगवान ने, इसलिए परमात्मा कहते हैं राम रसायन पीजियो यो अवसर यो दावे, पीछे फिर पछताओगे फिर चला चली हो जावे। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी, और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा, मनुष्य जीवन की प्राप्ति ऊपर से वो सही भक्ति मंत्र भक्ति की साधना प्राप्त होना, ये एक दाव लग गया आपका, और पछ फिर पछताओगे जब चला चली हो जाए, मरते नोकेंगे ठाओ ठाओ चलो चलो, कहते फिर पछताओगे यहाँ से। गरीब कहता दास गरीब है बांदी जाम गुलाम, तुम हो तैसी कीजियो ये भक्ति ही रंबर नाम। गरीब भूमि बड़ो भरोसे डूबे हैं ये कल्पत हैं दो दीन, सबका सतगुरु कुल धनी ही मगर भया लोलीन। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी के भूमि भरोसे डूब रहे हैं, भटक अपनी भक्ति नष्ट कर रहे हैं, और कल्पत हैं दो दीन, हिंदू और मुसलमान ये दोनों धर्म ये भटक रहे हैं, मार्ग से दूर चले गए हैं,
और सबका सतगुरु कुल धनी मगर भयो लोलीन। भूमि भरोसे डूबते हैं, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कि मक्का में जाने से मोक्ष होता है और मक्का में जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका सीधा स्वर्ग भीष्ट जाता है। परमात्मा ने बहुत से उदाहरण दिए हुए हैं और पंडित लोग कहा करते थे, ब्राह्मण हिंदू धर्म के गुरु, के जो काशी शहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वो सीधा स्वर्ग जाता है और जो मगर मृत्यु को प्राप्त होता है वो गधा बनता है, वो नरक जाता है। परमात्मा कबीर जी, परमेश्वर जी स्वयं जब तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए हुए थे बनारस में, काशी में, तब कहा करते थे कि पुण्यकर्मी प्राणी और सत साधना करने वाला भक्त, वो कहीं पर भी शरीर छोड़े, कहीं पर भी उसकी मृत्यु हो, वो अपनी भक्ति की कमाई से अपने इष्ट के पास चला जाता है, वो नरक नहीं जाता। और दुष्कर्मी प्राणी, सत भक्ति ना करने वाला भक्त, चाहे कहीं पर भी काशी मरो चाहे मगर मरो, वो सीधा नरक में जाता है। लेकिन ये बात उन काशी के पंडितों के गले नहीं उतरे थी। इस भ्रम को मिटाने के लिए परमेश्वर जी कबीर जी ने कहा कि भाई मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा, मैं मगर में शरीर छोड़ूंगा और पंडितों तुम मेरे साथ चलो और थारे ये पत्रे वत्रे ज्योतिष जाते सारी इकट्ठी कर ले, ला लियो तुम और बता दियो फिर यहाँ उपस्थित लोगों को कि मैं कहाँ गया हूँ, ईमानदारी से बताना। मैं जो साधना कर रहा हूँ वो सत साधना है, परमात्मा एक लीला करने आए थे, उदाहरण देने आए थे और भ्रम मिटाने आए थे। काशी में क्या कर रखा था इन नकली गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, इन दुश्मनों ने हमारे साथ क्या कर रखा था, झूठ ऐसा बहका रखा था हमारे पूर्वजों को कि जो काशी में मरता है वो सीधा स्वर्ग जाता है। तो श्रद्धालु व्यक्तियों ने, जिनके पास कुछ धन अच्छा था, धनी लोगों ने, विशेषकर वैश्य कुल के लोगों ने, बाणियों ने, उन ब्राह्मणों की बात को बहुत महत्व दिया। उनके बुजुर्ग कहने लगे, बेटा हमारी मृत्यु तो होनी है, यदि हमारा काशी में कुछ दिन निवास हो जाए लास्ट में तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा, गुरुजी बताते हैं। तो उन भक्तों ने सोचा भी माँ बाप ने सारी उम्र हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अंत के समय में इनको काशी में कोई किराए पर मकान लेकर नौकर छोड़ जाएंगे, ये वहाँ मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, गुरुजी के वचन भी सुनते रहेंगे और इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर उन गुरुओं ने के स्कीम बनाई कि ये बहुत ज़्यादा उनके श्रद्धालु आन लाएंगे और बाहर कमरा लेंगे, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो हमारे पास ही छोड़ दो अपने माता पिता को, जो इनका खर्चा दो हमें दे दो, हम इनकी सेवा कर दिया करेंगे, यहाँ भक्ति भी करते रहेंगे, हमने भी खर्चा अपनी रोटी बनानी है, इनको भी बना दिया करेंगे। अब लालच में हुआ, आफत मोल ले ली उन पंडिता ने, अब बूढ़ा और बुढ़िया ने वहाँ छोड़ा हुआ, उनको महीने के 10-20 रुपये देने लगे। पहले 10-20 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, 20,000 के करीब होते थे। तो ब्राह्मणा के जी सा आ गया उन नकलियाँ के गुरुओं के, जो जो उनके गुरु थे, एक गुरु के पास और 20-20 बूढ़ा बुढ़िया इकट्ठी होगी और बूढ़ा बुढ़िया तो एक के ना संगवाया जाते तकलीफ हो जाता है, और उनने हो गए 10-10, 20-20 एक के पास गुरु जी के पास। अब उनने मुश्किल माच की कि के करें, या लालच में आप पत्तों मोल ले ली। फिर उन्होंने स्कीम बनाई उन दुष्टों ने, क्या स्कीम बनाई कि भाई एक ऐसी अफवाह फैला दो, एक ऐसी प्रोपगंडा छोड़ दो कि भाई उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि कह दो